हेलो, भाई राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज ये ज़्यादा गोभी की सब्ज़ी खा के आगे लगता नहीं, है। सब बना के आई हूँ मैं गोभी की सब्जी। कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी उठ गए, चाय वाय हमने पी ली और आज मीनू आलू गोभी की सब्जी में छोंक भी लगा के आ गई सुबह सुबह। इसने ये महान काम कर दिया है आज। ठीक और है, सबके दूध का हिसाब भी लगा के आई मैं, हाँ। जिसमें पूरे 75 रुपये की हमने गड़बड़ कर दी। जो हमारे यहाँ से मतलब गाय का जो दूध लेके जाते हैं ना, तो उसका हिसाब डेली कर देती है डेली साथ साथ, कि फिर ना वो जो जितना लेके जाता है फिर महीने का ना, वो बस पैसे पैसे जोड़ने रह जाते हैं, किलो का हिसाब नहीं रहता कोई। जैसे कभी कभार हो जाता है ना, किसी को आधा किलो कम जा रहा है, किसी का कितना कम जा रहा है, तो बोल रही है समझ बेटा निकालो। और ये देखो इनकी मस्तियाँ देखो, बाल बहुत बड़े हो गए, कटवाऊंगी, लेकिन अभी ठंड है तो सब मना कर रहे थे। हाँ मैं इसको था जब ये दे रहा था तो सब पूछा ये हाँ तू बोल रहा है वो जो वो ये क्या है खेलने का इनका बैट सा छोटा सा, समर्थ पकड़ो भैया को। तो ये नीचे पड़ा हुआ था, ये समर्थ से जाके ऐ करने लग गया। समर्थ बोला ये, तो बोल रहा हाँ, डुडू ऐसे बोला था ना हाँ। तो इसके बाल देखो कितने बड़े हो गए, लड़कियों जैसे हो गए, लेकिन कटवाएंगे थोड़ा सा मौसम सही हो जाए। समझ पकड़ो, वो उसका गिरने का डर रहता है बेड से। कूद भी सकता तो है एक बार आपको बाहर का मौसम दिखाते हो, ऊपर चल के अच्छी खासी धूप निकल रही थी 2-3 दिन से, लेकिन आज देखना आज का मौसम। सुबह उठे मैं क्या, आज तो धूप ही नहीं निकली है, वरना तो 7 बजे ही चमका आ जाता। चलो चलते हैं, हम आ गए ऊपर। और देखो मतलब उम्मीद नहीं थी कि अभी दोबारा से इतना ऐसा मौसम आ जाएगा कि कुछ भी नहीं धुंध हो जाएगी, कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो नीचे से तो कम हाँ, आस पास के ना घर देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये यहाँ से बोलो बैक कैमरा है, लिटरली है गाइस, कुछ नहीं दिख रहा है लिटरली। और देखो बस ये पास पास वाले घर दिख रहे हैं और सब कुछ गायब है। ऐसा लग रहा है बस हम हैं यहाँ पे। पड़ोस पड़ोस गायब हो गया। देखो तू तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बेटा, और खुशबू आ रही थी अभी जैसे आई ना जीने में से, मैंने सब्जी में छोंक लगाया, नीचे लगा के आई है। मतलब किचन ना ऊपर नीचे दोनों जगह है, जैसे मम्मी चाय वगैरह बना लेती है ना नीचे, खाना बनाना हो जब खाना भी बना लेती है, जैसे मेरी तबीयत खराब है या कुछ भी। और सुबह पापा के लिए तो बनाती है ही मम्मी, पापा ड्यूटी जाते हैं तो मम्मी को रहता है कि बच्चे परेशान ना हो, तो मम्मी सुबह सुबह बना लेती है कि छोटा बच्चा है साथ में, तो सुबह मम्मी जल्दी बना लेती है पापा के लिए, फिर मैं बना लेती हूँ मम्मी के दिन के लिए। और मतलब मम्मी पापा पापा के लिए बनाती है, कभी कभार अपनी बनाती है। तो खुशबू आ रही थी मीनू सब्जी में छौंक लगा के, मैं क्या अच्छी सब्जी बना के आई है। मीनू ने अभी तक दूसरी तीसरी बार सब्जी बनाई होगी शायद तो। बेचती नहीं। हाँ हाँ, पर मैं घर गई तब बताई थी, इसने बनाई थी। मुझे सब्जी बनानी आती है, मैं पास्ता भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, पर हमारे लिए नहीं बनाती है। मैं घर पे रह के आई थी उस टाइम पे, इसने ही बनाया था। देखो मीनू डुड्डू ने टॉप पर आ लेते, टॉप लिया। समर्थ बेटा ऐसे मत करो, भैया को लग जाएगी। ये देखो इनकी, ये देखो आते ही खेल शुरू हो गए। वो देखो बाल देखो उससे कितने बड़े हो रखे हैं, और ठंड हो रखी है। मतलब वो ये उतनी वाली तो नहीं है, लेकिन ठंड हो रखी है, वरना कल तो बिल्कुल गर्मी लग रही थी। ऐसे हो रहा था कि मौसम ही आ गया हो गर्मी का। ये देखो ओ भाई मो, लंच हो गया। लंच में बने थे प्याज के पराठे और दही, और मीनू ने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी। तो अभी बस बैठ के ना यहाँ पे प्रेस कर रही थी, यहाँ पे बैठ के ये देखो इतने सारे प्रेस कर दिए, काफ़ी प्लाजो भी उधर है वो प्रेस कर दिए। ये मतलब जो पार्टी वेयर सूट है ना वो हैं सारे, ड्राई क्लीन तो सारे मतलब करा रखे थे एक एक बार, पर जो इजी में से पहनने के बाद ना फिर इजी में से निकाल के रख देती हूँ, तो वो पड़े थे, गंदा हो गया। यहाँ से ही नहाऊँगी अभी बस। और मैंने सोचा डूडू सो गया था, ये ना सुबह थोड़ा टाइम से उठ गया था, तो अभी सो गया था ये सुबह में ही। दोबारा से मैं क्या, चलो और काम बाद में कर लेती हूँ, पहले खाना खा के लंच करके मतलब,
और कपड़े कुछ मीनू ने कर लिए, कुछ मैंने कर लिए, दोनों ने मिलके। और बस अब इनको ना पैक करके रख दूँगी। और एक सूट जला भी लिया बाजू से यहाँ से, लेकिन वो ये बाजू मतलब मैं ज़्यादातर ना इतनी पहनती हूँ बाजू मतलब कोहनी से थोड़ा सा ऊपर, तो आगे आगे से ना। और अच्छा हुआ मैंने पहले बाजू पे ही लगाई प्रेस, तो वो कपड़ा वैसा था ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक का, तो चिपक गई बाजू थोड़ी सी, लेकिन हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बहुत अच्छा सूट था, मैंने ननद की सगाई में पहना था, सब ने बोला था बहुत प्यारा सूट है, लेकिन आज कर दिया कल्याण उसका। तो अभी बस पैकिंग करूँगी सूटों की और दिखाती हूँ पैकिंग करके मैं आपको कैसे करती हूँ। हो गए हैं मेरे पैक, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको मैंने कैसे पैक किए हैं। मतलब जो पार्टी वियर सूट थे ना वो सारे पैक कर लिए मैंने, देखिए प्रेस करके सारे सूट इधर, तीन ये वाले हैं, तीन और ये वाले सूट ना, ये देखो ये वाले मैंने पुरानी पन्नी में ही पैक कर लिए, क्योंकि ये ना फिर पहन रखे घर पे भी। और ये वाला मैंने पैक नहीं किया, ये मैं परसों डालूँगी और देखती हूँ मैं, तो मैं क्या परसों निकालना पड़ेगा, फिर से एक पन्नी ख़राब होगी तो उसके बाद देख लूँगी। ठीक है, तो मैंने प्रेस कर लिए कपड़े और एक मिनट दिखाती हूँ। ये वाला ना मेरा फेवरेट सूट है, बताया था ना ये मेरा फेवरेट सूट है, वो मतलब वो दुपट्टा था ऊपर और इसकी बाजू ना, ये सबने मतलब सबने बोला था कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देखो बाजू जला दी मैंने इसकी, कोई बात नहीं ऐसे मतलब निकल जाएगी आधी बाजू, लेकिन ना ये चीज़ ये ना मेरे को बड़ी प्यारी लग रही थी, इस पर ये नहीं लगेगी अब। और देखती हूँ अगर थोड़ा बहुत टेलर अपनी कुछ करके जोड़ ओड़ लगा के अगर कुछ करता है तो थोड़ा बहुत लग जाए इधर इधर आ गया ना, तो कराऊंगी सही। तो ठीक है, कपड़े हो गए मेरे पैक और मीनू लेके गई डुड्डू को ऊपर। मेरे को मेरा अभी किचन क्लीन रह गया है, तो सबसे पहले ना मैं किचन ही क्लीन कर लूँ, फिर ना नहाने के बाद ना फिर छींटे लग जाती हैं, तो किचन क्लीन करके और फिर मैं नहाऊंगी और अभी ये व्लॉग डाल दूंगी, और शायद इसके बाद शाम को भी मैं दूसरा व्लॉग डाल दूँ, तो सोच रही हूँ शुरू भी कर लूँ दोबारा और ना भी करूँ। ठीक है, तो मिलती हूँ आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।